हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। एक बार फिर से कैंप के माध्यम से नियोजन पत्र दिया जाएगा। इससे संबंधित न्यूज़पेपर में आया है। हालांकि इसका ऑफिशियल लेटर अब तक जारी नहीं हुआ है। इस पर सच्चाई क्या है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट पिछले दिन प्रभात खबर न्यूज़पेपर में शायद ये आया था, और आज जहानाबाद के दैनिक भास्कर में आया है। आज यानी आज 23 दिसंबर है, शिक्षक नियोजन में पहली बार कैंप लगाकर बांटे जाएंगे नियोजन पत्र। पहली बार शिक्षक नियोजन में कैंप लगाकर नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। प्राथमिक निदेशालय ने इस आशय का आदेश सभी नियोजन इकाइयों को भेज दिया है। और मतलब न्यूज़पेपर वाले के हिसाब से कहना है कि प्राथमिक निदेशालय जो है सो इसका आदेश सभी नियोजन इकाई को भेज दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी नियोजन इकाइयों को इससे संबंधित निर्देश देते हुए कहा है कि प्राथमिक नियोजन पत्र बांटने में होने वाली गड़बड़ियों को मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। दिए गए निर्देश के अनुसार पंचायतों के चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र ब्लॉक में और ब्लॉक में चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र जिला स्तर पर बांटे जाएंगे, ताकि नियोजन पत्र बांटने में नियोजन इकाइयां मनमानियां न कर सके। इस बार चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और अनुभव से जुड़े दस्तावेज का सत्यापन नियोजन पत्र बांटने के पहले ही किया जाएगा। और इधर न्यूज है, कक्षा 1 से 5 तक के नियोजन में डीएलएड को मिलेगी प्राथमिकता। तो ये तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, इससे संबंधित लेटर भी जारी हो चुका है शिक्षा विभाग ने। प्राथमिक स्कूलों के लिए चल रहे कक्षा 1 से 5 तक के नियोजन में बीएड की तुलना में डीएलएड को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। विभाग की अधिसूचना के मुताबिक चल रही नियोजन प्रक्रिया में कक्षा 1 से 5 तक के प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अलग अलग बनेगी। अधिसूचना प्रभावी कर दी गई है। विभागीय अधिसूचना के मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में सर्वप्रथम 2 वर्षीय डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने पर ही बीएड योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन किया जा सकेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरा जब भी कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।